Welcome to another vlog. Hi, my Mishtu. Hi, baby. Hi, Shona. Hi, Anji. Shake, what are you doing? What are you doing, Babu? Maljeet Rana is setting up the tripod for my reel video. मेरा मन कर रहा है मैं रेडी हो रही हूँ तो एक रील बना लूँ. नाम रील क्यों पड़ा होगा इसका? हमारे लिए तो रील वो सुई धागे वाली रील होती है. रील क्या होता है? रील, अच्छा रील वो होती है ना, रील फिल्म्स वाली रील एंड ऑल दैट. बट इसका नाम रील क्यों है? तो फिल्म्स में ना पहले, आज अब तो कार्ड्स यूज होते हैं, डिजिटल कार्ड होते हैं, लेकिन पहले रील यूज हुआ करती थी. हाँ, बट इसका नाम रील क्यों है? क्योंकि ये एक तरह से एक मेमोरी हो जाती है, रील टाइप एक मेमोरी हो जाती है 15-15 सेकंड की, इसलिए इसका नाम रील रखा गया. राइट. जस्ट टू, अब ऐसे तो नहीं तो आप ये पूछो टिकटॉक का नाम टिकटॉक क्यों था? स्टोरी का स्टोरी क्यों बोलते हैं? फिर जो पोस्ट को पोस्ट क्यों बोलते हैं? कमलजीत राणा क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि और उधर जाके बोल लो उधर एंड में चले जाओ तुम्हें काम. क्योंकि इट हैज टू बी सम मीनिंगफुल नेम होता है ना इसका, फ्रॉम द डॉक्टर डू. बाय द वे, जिन लोगों ने कमल का व्लॉग नहीं देखा है वो देख लो, उसमें कमल ने पूरी अपनी ये राणा से डिकोस्टा बन गया है. वो उसकी पूरी जर्नी दिखाई है. एक्चुअली मेरे को ना गोवा जाने का बड़ा मन हो रहा है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, गोवा वाली फील के लिए कभी सैंडो पहन रहा हूँ गोवा वाली, कभी ये डिकोस्टा टाइप स्टाइल. यू नो, ए डिकोस्टा, जल्दी सेट करो. कर रहा हूँ दीदी, हो गया. आजू बाजू दाव लटकू का है वो तो ऐसे लटकता है. हाँ, ऐसे लटकता है. ओके गाइस, ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से मैं मेकअप कर लेती हूँ अपना. और यार आप लोग, मैं बहुत सारी वीडियोस में दिखाती हूँ ये, पर बहुत लोग फिर भी पूछते हैं कि यार कौन सा आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो या कौन सा फेस वॉश यूज करते हो. तो दिस इज द डर्मा वाइव नाम का मेरा क्लेंजर है जो मैं यूज करती हूँ. दिस इज ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन कंडीशंस आल्सो. सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और बहुत जल्दी चीजें अगर आपको खराब करती हैं तो दिस इज गुड फॉर यू. मैं तो आई थिंक एक साल होने वाला होगा आप लोग मेरे चैनल पे ये दो प्रोडक्ट्स देखते हो, बिकॉज दिस इज माई पक्का, दिस क्लेंजर एंड दिस इज द मॉइस्चराइजर दैट आई यूज स्पेशली बिफोर मेकअप. मैं इसी से हर मेकअप अपना स्टार्ट करती हूँ. न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर है ये. दिस इज विद विटामिन ई. दिस इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. ये थोड़ा सा प्राइसी है, लाइक अगर नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स की मैं बात करूँ थोड़ा सा प्राइसी है उनके कंपेरिजन में, बट काफ़ी बड़ी ट्यूब है ये, तो काफ़ी टाइम तक चलता है और बहुत थोड़ा लगता है. एंड या सो दीज आर द प्रोडक्ट्स. मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, बट मेरा कोई कोड वगैरह नहीं है यहाँ पे. तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करती हूँ. दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई मेकअप, लाइक वॉश माई फेस विद दिस एंड अप्लाई अ वेरी लाइक लिटिल बिट ऑन माई फेस. मतलब आप ज्यादा भी लगा सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है, बट मेरी नॉर्मल स्किन है तो मुझे बहुत ज्यादा लगता नहीं है ये. एंड वंस दिस सेटल्स डाउन इन माई स्किन, अच्छे से थोड़ा सा सोक हो जाता है, अच्छे से स्किन में चला जाता है, उसके बाद मैं अपना जो है प्राइमर लगाती हूँ. अच्छे से मसाज करने के बाद ऐसे थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं जब मेरे पास टाइम होता है, फिर उसके बाद मैं प्राइमर लगाती हूँ और फिर अपना मेकअप जो है वो शुरू करती हूँ. रियली रियली लाइक दिस प्रोसेस. लिप बाम, अच्छा अब मैंने लिप बाम चेंज किया है बिकॉज शुगर की तरफ से मेरे को कुछ लिप बाम्स आए थे और मुझे अच्छे लगे तो मैंने वो यूज करने शुरू कर दिए. ओके, ये आए थे PR में, तो इसमें से मैंने ये वाला यूज करना शुरू किया है. वो वैसलीन वाला लगा के मैं एक्चुअली पक गई थी, बट ऑब्वियसली क्योंकि ओवर नहीं हुई थी मेरी वो जो टब था छोटा सा, तो मैं ले नहीं रही थी. बट नाउ सिंस आई हैव गॉटन द PR, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस. Ni seré el último, pero sé que lo gozaré. तो मैं रेडी हो गई, मैंने रील भी बना ली, लेकिन मैं अभी पोस्ट नहीं करूँगी, मैं बाद में पोस्ट करूँगी. मिस्ट्री का शुरू हो गया है. अच्छा, हम लोगों को आज जाना है बाहर थोड़ी देर के लिए किसी एक कपल को मिलने के लिए, तो वी डिसाइडेड टू मीट टुडे. तो मैंने सोचा रेडी भी हो जाती हूँ और फिर आके वापस से विद द सेम मेकअप मैं शूट कर लूँगी, मुझे एक वीडियो शूट करनी है. सो कमल और मैं दोनों रेडी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं. 12:30 होने वाले हैं, 1 बजे हमें उन्हें बैक रोड पर मिलना है, विच इज़ लाइक 10 मिनट्स अवे फ्रॉम हेयर. तो या वी हैव टू रश. कमल रील देख रहा है. कैसी है? मस्त है. तेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल सही नहीं कह रही. मेरे को एक्चुअली मेकअप बहुत चाहिए. कमो
बिफोर आफ्टर लुक इज वेरी नाइस आई लाइक द वे यू हैव अप्लाइड द होल मेकअप शट अप गेट लॉस्ट इज रियली गुड एंड मैंने तो चीक बोन्स तूने हाईलाइट किए इट्स वेरी नाइस गेट लॉस्ट लाइक इट गेट लॉस्ट सो ये वाला टॉप मैं पहन रही हूं आयरन करना है इसको बस ये मैंने लिया था आजियो से यो सेल के टे एनसेño लो के पुएदेस हसेर कॉन मी पिएल ये 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 ओके सो जतिन और पढ़ना से बात हुई थी जिनसे मैं मिलना है दे सेड कि अभी 15-20 मिनट्स में निकलो आराम से तो फिर हम लोग अभी 20 मिनट्स बैठने वाले हैं थोड़ा भाई बहुत गर्मी है मुंबई में यार मतलब मुझे बताओ कि सिर्फ मुंबई में ही गर्मी है या आप लोग भी जहाँ जहाँ से हो सब जगह ही गर्मी का इतना बुरा हाल है बिकॉज सांस नहीं ली ऐसे लग रहा है एसी ख़राब हो रहा है भाई ऐसा लग रहा है एसी काम ही नहीं कर रहा है वो हाल चल रहा है यहाँ पे मेरा कमरा ठंडा ही नहीं हो रहा है एसी चलाने के बावजूद बहुत बुरा हाल हो रखा है मिस्टू ये बेड का क्या हाल करते हो आप क्या हाल करते हो हाँ क्या है ये सब क्या है ये सब बोलो बस लिट जाओ कि प्यार कर लो क्यों प्यार कर लूं काम तो आपके ऐसे है नहीं कि प्यार आपको किया जाए हाँ चलो जाओ पापा आए जाके पप्पू से मिलके हो जाओ पप्पू कॉफी शॉप पे बैठ जाते हैं कॉफी पी लेते हैं और साथ में कुछ स्नैक्स टाइप खा लेंगे अच्छा नहीं नहीं हम तो खुद पहली बार निकल रहे हैं घर से तो वी डोंट नो तो फिर क्या करना है ठीक है डन ओके जरा जगह जो है वो गूगल करो तो इतने दिनों के बाद ऐसे लग रहा है भाई हम कहीं जा रहे हैं बहुत अच्छा फील हो रहा है इतनी क्या बोलेंगे उसे मतलब इम्पोर्टेंस पता चल गई है बाहर जाने की ह्यूमन कॉन्टैक्ट की लोगों से मिलने की ओ गॉड मैंने शुगर का मास्क लगाया हुआ था भाई साहब मुझे इतना गंदा चुभ रहा था ना ये साइड से जैसे कपड़े के बाल बाल होते ना वो मेरे नाक के अंदर जा रहे थे इतना तंग कर रहे थे तो मैंने क्या किया ये वाली साइड अंदर कर लिया अब इससे क्या होगा मेरी शुगर की वो भी नहीं दिख रहा है सब इतना कुछ लिखा हुआ और मेरे को एकदम सॉफ्ट सैटिन जैसी चीज मिल गई मस्त लग रहा तो दैट इज जतिन न पढ़ना अच्छा हम लोग आए हैं ना जिस जगह में वहाँ पे बैठने तो नहीं दे रहे हैं ये लोग अंदर विच इज अंडरस्टैंडेबल तो हम लोग यहाँ पे बड़ा सा उन्होंने मेन्यू लगा दिया यहाँ से देख के ऑर्डर कर रहे हैं एंड वी गन ईट इन द कार कमल जीत राणा इज गन टेक हाफ एन आवर टू डिसाइड एंड इन द एंड ही इज गन ऑर्डर पास्ता पास्ता कमल मास्क उतारना पड़ेगा तुम्हें खाना खाने का खाना शुरू करूंगा तब खोलूंगा क्या खा रहे हो तुम लोग ओके स्पिनच राइस एंड ब्रोकली ब्रोकली चिकन का अगर जम रहा है तो मैं फोन करता हूँ टाटा बाय बाय टेक केयर भाई पनीर रहने दो ऐसे ही दे दो कमू संतरे अंगूर अंगूर नहीं अंगूर है भाई अंगूर सेब सेब और पपीता पपीता बस हमें जाना है नेक्स्ट प्लांट लेने के लिए बड़ा सा प्लांट लेना है मेरे को अपनी वीडियोस में रखने के लिए कहाँ से मिलेगा कोको अपने घर के पास है ना ये कितनी सुंदर सुंदर फूल है ये वाला आई थिंक परफेक्ट है ये ले ले कोको ये चाहिए दिस इज द प्लांट फाइनली जो हम लोग लेके आए हैं बेबी यो ते हको सुनियार algo más rico que la miel mi droga que te dé delicia no digamos el pecado que hay cosas que no se dicen y la piel tú y yo jugando baby para qué te dices y tú solo dices que quieres más que matemos la curiosidad eso
हम लोग काफी देर लगा के आए हैं, मतलब हमें लग रहा था हम आधे पौने घंटे में आ जाएंगे, बट इतनी बातें हम लोगों ने करी पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया। अभी भी हम लोग तो इतना कोई वो नहीं थे कि भाई घर आना है वापस इतना मन लग रहा था। या एनीवे जस्ट गॉट बैक होम, रिमूव्ड द मेकअप एंड एवरीथिंग, गॉट फ्रेश, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर चिल, और जो मैंने रील वगैरह बनाई थी उसको एडिट करूँगी और पोस्ट करने की सोच रही हूँ वो करूँगी, और फिर आपसे थोड़ी सी देर में मिलूँगी। हमारे घर में फाइनली आज कमल घर आया, बाहर से बोला जो अब मैं तेरे लिए जिम जैम ले आया हूँ और ये पैकेट सिर्फ तेरे लिए है, तू खाएगी, मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैंने कहा ठीक है देखते हैं। अभी रात हुई और रात को जो है अभी हम लोग खा रहे थे बिरयानी तो कमल मुझे बता रहा, मैंने फोन पे थी अपनी सिस्टर से बात कर रही थी फोन रखते ही, बोला ज्योति अभी बिरयानी खाते खाते मेरे साथ कुछ हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे लगा बहुत सीरियस बात है। कह रहे ज्योति बिरयानी खाते खाते ना मेरा मुंह का सारा टेस्ट चला गया। अब मैं डर गई भाई टेस्ट चला गया यानी कोरोना वाला कोई सिस्टम तो नहीं है। तो कह रहा यार फिर मुझे तो फिर कुछ पता नहीं था, मैं तो बहुत डर गया था, तू तो फोन पे थी, मैं बहुत डर गया था, तो अब घर में एक ही चीज पड़ी थी टेस्ट करने के लिए कि मेरा टेस्ट गया है या नहीं गया। तो मैं जाके तेरे जिम जैम का आया, कितने खाए तुमने? एक खाओ कसम, एक का तेरी कसम कमल, उस पैकेट में से अगर तुमने और एक जिम जैम खाया भले ही किसी बहाने से खाओ तो तुम्हें पता है मैं तो क्या हशर करूंगी। ये खाया बेटा टेस्ट कर रहा था, बहाने से खाया तुमने? नहीं बेटा सीरियसली कह रहा हूँ, मेरा एकदम से टेस्ट चला गया था, मेरे को बिरयानी का टेस्ट ही नहीं आ रहा, और जबकि ये तो हमारी फेवरेट जगह की बिरयानी है। लेकिन पता नहीं फिर मैंने बिस्किट खाया तो जैम चाटा अच्छे से और क्रीम चाटी, तो मैंने कहा ठीक है। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? तुम कुछ और, तुम पार्ले जी खा के भी तो अपना टेस्ट चेक कर सकते थे। पार्ले जी तो बेचा रोज खाता हूँ तो उसका टेस्ट नील हो जाता है कभी कभी। मैं ना बिस्किट गिन के रखा हूँ इस बार जिम जैम, ये एक ऑलरेडी डब्बे में क्या कर रहा है? वो गिर गया होगा ना, मिसप्लेस हो गया होगा। झूठे कितना तुम? वो डब्बे से निकल के खुद आ गया कि कमल भैया खाओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यार कोको 11 में से कम एक तो बनता है मेरा। कमल तुम्हारा एक भी नहीं बनता, शट अप। ये 11 के 11 जिम जैम बिस्किट मेरे अगले 11 दिन के लिए, क्योंकि मैं एक दिन का एक ही बिस्किट खा सकती हूँ, मुझसे और ज्यादा खाए नहीं जाते। 11 बिस्किट है गिन के इसमें मैं बता रही हूँ, अगर ये पैकेट तुमने हाथ लगाया तो तुम देख लेना। क्या डब्बा दो देख लेना, मतलब मैं नाम बदल दूंगी तुम्हारा, मतलब मेरा नाम बदल, क्या बोलते धमकी क्या देते हैं कि मेरा नाम बदल देना? नहीं अच्छा मैं खा रहा हूँ तो तुम्हारा तुम देखना, देखो मैं क्या करती हूँ, देख लेना फिर मैं देखना मैं क्या करती हूँ। Okay. पकड़ डब्बा उधर रखो यार, एक की परमिशन तो मिलनी चाहिए। परमिशन भाई तुमने पिछले वाला पूरा डब्बा खाया है, ये पूरा पैकेट खाया है, मैंने सिर्फ 5 खाए इसमें से। ज्योति मैं तेरा पति हूँ यार, परमेश्वर एक तो बनता है ना। परमेश्वर हो तो जाओ मंदिर में जाके बैठो, तो जिम जैम भेंट चढ़ाएगी मेरे को वहां पे आके। मैं अगर मेरे नाम का अगर मंदिर हुआ था ना तो पता क्या होगा, वहां पे बिस्किट चढ़ा करेंगे सिर्फ, बिस्कुटा मंदिर। कहां जा रहे हो? बिस्कुटा देव से मिलने के लिए। प्रसाद में क्या मिलेगा? चाय और बिस्कुट। मन्नत मांगोगे तो बिस्किट ही बिस्किट मिलेंगे। और मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा तुम्हारा दोस्त बिस्किट। बोल दो कमल को कि मेरे लिए जिम जैम का ये वाला पैकेट खत्म ना करे। एंड या आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।